नयागांव नगर कौंसिल में आगामी 14 फरवरी को चुनाव है। इसको लेकर चुनावी माहौल हो रखा है। हर तरफ किसी की जीत को लेकर, किसी की हार को लेकर दावे किए जा रहे हैं। हर पार्टी की तरफ से पूरे जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है। पार्टी के सीनियर नेताओं की तरफ से पूरी जी जान लगाई जा रही है कि हर बार नगर कौंसिल में उनके उम्मीदवार जीते, लेकिन इस बार नयागांव नगर कौंसिल चुनाव में मुकाबला दो तरफा, तीन तरफा, चार तरफा कहीं या पांच तरफा कहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इस बार मुकाबला छह तरफा हो रखा है। जी हां, एक बार में छह छह उम्मीदवार इस बार मैदान में हैं, जहां मुख्य पार्टियों में भाजपा, कांग्रेस, अकाली दल और वहीं इस बार आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार भी मैदान में है। साथ ही विकास मंच और कुछ आजाद उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में हैं। कांग्रेस, भाजपा और अकाली दल से जिन उम्मीदवारों को टिकट नहीं मिल रही है, वे इस बार आजाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे हैं। हर तरफ आपको चुनावी शोर और चुनावी माहौल ही नजर आएगा। चुनाव में इस बार कितने उम्मीदवार हैं और कितने बूथ बनाए गए हैं, इसको लेकर जानकारी दी है नयागांव के चुनावी अधिकारी ने। इस वेले MC नवागांव दे विच 109 कैंडिडेट हिस्सा ले रहे ने आने वाले MC इलेक्शन दे विच, जो कि 14 तरीक नू इतवार दे दिन मुकर्र की गई है। तो ये 41 बूथ बनाए गए हैं 21 वार्ड्स के लिए। तो इन्हां दी तैयारी पूरी चल रही है। सारे COVID-19 नू देखते हुए प्रॉपर इंतजाम किए गए हैं सारे पोलिंग बूथां दे विच। तो आस है कि ये पोलिंग पीसफुल शांति नाल जाएगी। वहीं चुनावों को लेकर पुलिस भी पुख्ता बंदोबस्त किए जाने के दावे कर रही है और साथ ही कह रही है कि अगर कोई आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस वालों पुख्ता इंतजाम किए हुए गए सिक्योरिटी के। 5 बारी पुलिस पार्टी ने सारे इलेक्शन बूथ का, इलेक्शन पोलिंग स्टेशन का सारा दौरा कर चुके हुए, सिक्योरिटी पुख्ता इंतजाम कर चुके हुए। साढ़े पुख्ता इंतजाम है, कोई भी पार्टी का कोई भी उम्मीदवार किसी तरह का भी वायलेंस करेगा उसके खिलाफ तुरंत केस रजिस्टर किया जाएगा और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पोलिंग स्टेशन 200 मीटर जिस दिन इलेक्शन होने 200 मीटर दूरी पर किसी पार्टी का बैनर, कोई उम्मीदवार प्रचार करता नहीं पाया जाना उत्थे, ना ही इसी मतलब करन देवे इस चीज़ को। और पिछले भी किसी ने माड़ी मोटी शरारत की, इसी तुरंत केस रजिस्टर किया, कानूनी कार्रवाई की है। और इन फ्यूचर भी किसी ने भी किसी भी तरह की दखलअंदाजी की है, इलेक्शन तोड़िया, कानून तोड़िया, कानून भंग किया, सख्त कानूनी एक्शन होएगा। उस पर साड़ी 100 तो वध फोर्स तैनात कर चुके हुए अपना इलेक्शन से, हरेक बूथ से 8-10 बंदे असी लाते हुए। वहीं नयागांव की बात करें तो यहां समस्याओं का भंडार है। लोग यहां मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं, जैसे पानी, सड़क और जगह जगह लगे कूड़े के ढेर। इन चुनावी वायदों में नेता लोगों से खूब वोट लेने के वायदे कर रहे हैं और रिझाने की बात भी, लेकिन नयागांव में हालत नहीं बदली। अब देखना होगा कि नयागांव की जनता इस बार किसे सिर आंखों पर बैठाती है और किसे गिराती है। पंजाब की सिटी वी चंडीगढ़ के लिए भागवत सिंह की रिपोर्ट।